मैं आपके लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली ना, तो इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर निकालो मात्र 2 सेकंड और 2 स्टेप के अंदर। कितने सेकंड के अंदर? 2 सेकंड 2 स्टेप के अंदर। कंडीशन है, वीडियो पूरी देख के जाना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर गुरु में। पहले दोस्तों हम उन नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो कि 100 से कम होते हैं, मतलब जैसे कि 97। अब इसका स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो? सिर्फ 2 सेकंड और 2 स्टेप के अंदर। आप इसको देखिए कितना ये 100 से कम है, 100 से ये कम है 3। 3 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, 97 में से कितना आएगा? 94। और 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ आ जाएगा 09। हमेशा 2 डिजिट में लिखिएगा। तो आ गया ये आपका आंसर, मात्र 2 सेकंड का आया। आइए और नंबर लेकर देखते हैं, जैसे कि 96। यह 4 कम है 100 से, 4 इसमें से माइनस कर दीजिए, 92, और 4 का स्क्वायर लिख दीजिए 16। आ गया आपका आंसर। आइए और नंबर लेकर देखते हैं दोस्तों, मजा आ रही है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। ये देखिए 5 कम है, तो 5 इसमें से माइनस कर दीजिए, 100 से ये 5 कम है, 5 इसमें से आपको माइनस कर देना, 90 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर लिख देना आपको 25। आ गया आपका आंसर। आइए और नंबर लेकर देखते हैं, जैसे कि क्या लें, 90, क्या लें, 98। या 2 कम है, 2 इसमें से माइनस कर दीजिए, 100 से या 2 कम है, 98, 2 इसमें से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 96, और 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, आ जाएगा 04। ये आ गया आपका आंसर। आइए और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि क्या लें, 94। या 2 या 6 कम है, 6 इसमें से माइनस कर दीजिए, 88, और 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, 36। आ गया आपका आंसर दोस्तों। इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो 100 से कम रहते हैं उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए अब सीखते हैं, जो कि 100 से ज़्यादा रहते हैं उनका आप स्क्वायर कैसे दोस्तों निकाल सीखेंगे, सकते जो हैं। 100 से ज़्यादा नंबर रहते हैं उनके आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो? जैसे कि 102, इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो? ये अभी दोस्तों सिर्फ 2 सेकंड और 2 स्टेप में आएगा। जैसे कि यह आपको देखना है, यह 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो +2, यही 2 आप इसमें प्लस कर दीजिए, 104 हो जाएगा। 102 में या 2 प्लस कर दीजिए, 104, और 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, 04, और आ गया ये आपका आंसर। आइए और नंबर लेते हैं, जैसे कि 103, यह कितना ज़्यादा है 100 से? या 3 ज़्यादा है, 3 इसमें प्लस कर दीजिए, 106, और 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, 09। आ गया आपका आंसर। आइए और नंबर लेते हैं दोस्तों, मजा आ रही है तो वीडियो को लाइक करना। जैसे कि 106, यह 6 ज़्यादा है तो +6, 100 से 6 ज़्यादा है तो +6, यही 6 इसमें प्लस कर दीजिए तो 112, 6 इसमें आपको प्लस कर देना है, 112 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, 36। आ गया आपका आंसर। आइए और नंबर लेते हैं, जैसे कि 107, ये 7 ज़्यादा है 100 से तो +7, इसमें प्लस कर दीजिए, 114, 114, 7 का स्क्वायर सनसन जो 49। आ गया आपका आंसर। आइए अब ऐसे नंबर सीखते हैं जो कि 200 से आइए कम दोस्तों अब रहते सीखते हैं। हैं जो कि 200 से कम रहते हैं, जैसे कि 98। इसमें भी सिर्फ वही सेम ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन यह 3 स्टेप में निकल के आएगी। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है 200 से कितना कम है, 2 कम है, यही इसमें से माइनस कर दीजिए, 196, और इसका आप डबल कर दीजिए, 196 इसी में प्लस कर दीजिए, तो 6 6 12, 9 9 18 19, एक कैरी जा गया था 19 3, तो आ गया 392। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद आपको क्या करना है, या 2 का स्क्वायर आप यहाँ लिख दीजिए, 04, आ गया आपका इसका भी स्क्वायर। आइए और नंबर लेकर देखते हैं दोस्तों, क्या लें, जैसे कि ले लेते हैं 197, यह 3 कम है तो 3 इसमें से माइनस कर दीजिए, 194, फिर उसके बाद 194 इसी में प्लस कर दीजिए, 8 9 9 18, एक कैरी 3, तो आगे ये 388, 388, और 3 का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर, 09। आगे इसका भी आपका आंसर। आइए और नंबर लेते हैं, अब फास्टली करते हैं, अपनी स्पीड हम बढ़ाते हैं, जैसे कि 196, या 200 से 4 कम है तो 4 इसमें से माइनस कर दीजिए, 192, 192 का आप डबल कर दीजिए, 2 2 4 18 3,
384 और 4 का स्क्वायर आप यहाँ लिख दीजिए 16 और आ गया आपका आंसर। आइए और नंबर लेकर करते हैं, जैसे कि अब हम ले लेते हैं 190 क्या ले 5। अब इसका कैसे निकालेंगे, इसका भी वैसे ही आप निकालेंगे, ये देखेंगे 5 कम है 200 से, तो 5 इसमें से माइनस कर दीजिए 190, 190 इसी में प्लस कर दीजिए 0, 18 एक कैरी 3, 380 और 5 का स्क्वायर आप यहाँ लिख दीजिए 25, आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जो 200 से कम नंबर रहते हैं। आइए अब सीखते हैं जो 200 से भी ऊपर नंबर रहते हैं उसके दोस्तों, स्क्वायर, जो आप 200 200 से से ऊपर ऊपर रहते हैं उनका स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जैसे कि हम ले लेते हैं 202, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कितना ज़्यादा है 200 से, दो ज़्यादा है, उसके बाद आपको क्या करना है, दो इसमें प्लस कर देना है 204, और 204 का आप डबल कर दीजिए, 204 मतलब इसी में और प्लस कर दीजिए, तो 804 उसमें आप माइनस कर देते क्योंकि वो 200 से कम था, तो इसमें ये 200 से ज़्यादा है तो इसमें दो आप प्लस कर देंगे, तो आ गए 408, 408 आ गया। अब आप ये दो का स्क्वायर लिख दीजिए 04, आ गया आपका आंसर। आइए और नंबर लिखकर देखते हैं, जैसे कि 203, या 3 कम है सॉरी 3 ज़्यादा है तो 3 प्लस कर दीजिए 206, 206 का डबल कर दीजिए आ जाएगा कितना 12 1 4, 412 आ गया। उसके बाद आप 3 का स्क्वायर लिख दें 03, 09 आ गया आपका आंसर। आइए और नंबर लेते हैं, जैसे कि 204, इसका स्क्वायर निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे, 4 ज़्यादा है 4 इसमें प्लस कर दीजिए 208, 208 आ गया, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर लिख दीजिए 16 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जो 200 से ज़्यादा नंबर रहते हैं। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, देखिए जैसे 202 का निकालना है, दो ज़्यादा है 200 से तो दो इसमें प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 204, 204 का आपको डबल कर देना है दो 408 हो जाएगा, 408 हो गया, फिर उसके बाद आप दो का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे 04 आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जो 200 से ज़्यादा नंबर रहते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करके ज़रूर बताना, कमेंट में मुझे शेयर बताना कैसी वीडियो लगी, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।